टॉप 25 में सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक के संकट की। कर्नाटक में चल रहा सहमत का खेल। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने सभी विधायकों को बेंगलुरु वापस बुला लिया है। बीजेपी के सभी 104 विधायक दिल्ली के पास हरियाणा के नूह के एक रिजॉर्ट में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस ने 75 विधायकों को बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में ठहराया हुआ है। जेएनयू में देशद्रोही नारेबाजी के मामले में फाइल की गई चार्जशीट पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले जज की छुट्टी होने की वजह से सुनवाई टल गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस की चार्जशीट में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस की चार्जशीट में FSL रिपोर्ट और जी न्यूज की खबर को आधार बनाया गया है। 3 साल पहले 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए थे। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी पर लटकाए जाने के विरोध में कथित रूप से कार्यक्रम किया गया था जिसमें देश विरोधी नारे लगाए गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। कोलकाता में आज केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में तृणमूल कांग्रेस की रैली होगी। टीएमसी के अलावा विपक्षी दल मोदी सरकार के खिलाफ एक मंच से हुंकार भरेंगे। तृणमूल कांग्रेस इस रैली का आयोजन शहर के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कर रही है। कांग्रेस की ओर से इस रैली में पार्टी के लोकसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जन विरोधी ताकतों के खिलाफ टीएमसी की कोशिशों को कांग्रेस का समर्थन है। ममता की रैली में समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, बीएसपी की तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से चंद्रबाबू नायडू, जेडीएस की तरफ से HD कुमारस्वामी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, RJD की तरफ से तेजस्वी यादव शामिल हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने मालदा में रैली के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत देने से इनकार कर दिया। मालदा प्रशासन ने कहा कि एयरपोर्ट की मरम्मत का काम चल रहा है, इसकी वजह से वहां हेलीकॉप्टर की लैंडिंग सुरक्षित नहीं है। शाह 23 जनवरी को बीरभूम और झाड़ग्राम में रैली करने वाले हैं। 24 जनवरी को अमित शाह की 24 परगना और नदिया में रैलियां होनी है। मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा के साथ ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं। ये 4 राज्य सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल और ओडिशा हैं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग हो चुकी है। चुनाव आयोग को 6 महीने के भीतर वहां भी चुनाव कराने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव भी करा सकता है। 16वीं लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को खत्म हो रहा है। 2014 में लोकसभा के चुनाव अप्रैल और मई में 9 चरणों में हुए थे। पहले चरण की वोटिंग 7 अप्रैल और आखिरी चरण की वोटिंग 12 मई को हुई थी। 16 मई को नतीजों का ऐलान हुआ था। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में हिमस्खलन की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। लद्दाख के खारदुंगला क्षेत्र में बीच सड़क पर बर्फ का पहाड़ गिर गया जिसमें एक ट्रक दब गया। इस ट्रक पर 10 लोग सवार थे। बर्फ के नीचे से 5 शव बरामद कर लिए गए हैं। सेना, SDRF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने राहत और बचाव का काम किया। हालांकि खराब मौसम की वजह से बचाव कार्य में काफी परेशानी हुई। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने 2025 में राम मंदिर वाले बयान पर सफाई दी है। भैयाजी जोशी ने कहा है कि अब मंदिर निर्माण शुरू होगा तो 2025 तक तैयार होगा। इससे पहले भैयाजी जोशी ने कहा था कि राम मंदिर 2025 में बनेगा। राम विलास वेदांती ने भी भैयाजी जोशी से सुर मिलाते हुए मंदिर का निर्माण का काम 2025 में पूरा होने की बात कही है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भैयाजी जोशी हमारे मार्गदर्शक हैं, लेकिन मंदिर का विषय सुप्रीम कोर्ट में है। भैयू जी महाराज की खुदकुशी के केस में कोर्ट ने भैयू जी के सेवादार विनायक, शरद और पलक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि उन्हें खुदकुशी के लिए उकसाया गया था। पुलिस ने जांच में मिले सबूतों के आधार पर विनायक, शरद और पलक के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि भैयू जी महाराज पर शादी के लिए दबाव बनाया गया था। पुलिस को विनायक, शरद और पलक की बातचीत का मैसेज मिला है। तीनों ने भैयू जी महाराज को 16 जून तक पलक से शादी करने का वक्त दिया था, लेकिन भैयू जी ने इससे पहले 12 जून को खुद को गोली मार ली। आरोप है कि तीनों मिलकर भैयू जी महाराज को ब्लैकमेल कर रहे थे। पलक भैयू जी महाराज से शादी करना चाहती थी, जबकि विनायक और शरद
संपत्ति मिलने के लालच में पलक का साथ दे रहे थे। उत्तर प्रदेश आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य बन गया है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने 10% आर्थिक आरक्षण के फैसले को मंजूरी दे दी है। यूपी में ये नई आरक्षण व्यवस्था 14 जनवरी से लागू की गई है। संसद से पारित आर्थिक आरक्षण कानून का फायदा सालाना 8 लाख से कम आय वाले परिवारों को मिलेगा। 10% आर्थिक आरक्षण को इससे पहले गुजरात और झारखंड सरकार लागू कर चुकी है। शुक्रवार को योगी कैबिनेट में 13 प्रस्ताव पारित हुए। योगी सरकार ने मुगलसराय तहसील का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय करने को भी मंजूरी दी। मुगलसराय रेलवे जंक्शन का नाम पहले ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया जा चुका है। मोदी सरकार के गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने को डीएमके ने कोर्ट में चुनौती दी है। डीएमके ने मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट में गरीब सवर्णों को आरक्षण के लिए संविधान में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई है। डीएमके संयोजक सचिव आरएस भारती ने याचिका दायर की है। डीएमके संसद में भी गरीब स्वर्ण आरक्षण बिल का विरोध कर चुका है। बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की थी। राजधानी दिल्ली के प्रदूषण और ट्रैफिक जैम पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस अरुण मिश्रा शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों के शपथ कार्यक्रम में ट्रैफिक जैम की वजह से मुश्किल से पहुंचे। इसके बाद प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा, दिल्ली रहने लायक नहीं रह गई है। शुरू में मुझे दिल्ली आकर्षित करती थी, लेकिन अब नहीं। प्रदूषण और ट्रैफिक जैम बहुत है। हालात ये हैं कि मैं जजों का शपथ ग्रहण समारोह मिस करने वाला था। रिटायरमेंट के बाद यहां नहीं रहूंगा। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी दिल्ली को गैस चैम्बर कह चुका है। सुनवाई के दौरान जस्टिस मिश्रा ने प्रदूषण कम करने के लिए पैसों की कमी बताने पर दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर एक के बाद एक 3 हमले किए। पहला हमला श्रीनगर के लाल चौक इलाके में हुआ। आतंकियों ने घंटाघर पर सीआरपीएफ के बंकर को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका। इस हमले में कुछ गाड़ियों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। दूसरा हमला साउथ कश्मीर के शोपिया में हुआ। यहां गागरान इलाके में आतंकियों ने पुलिस के एसओजी कैंप को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंके। तीसरा हमला पुलवामा के काकापुरा इलाके में हुआ। आतंकियों ने यहां भी पुलिस थाने को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड थाना कैंपस में फटा, जिससे किसी पुलिस वाले को नुकसान नहीं पहुंचा। शोपिया और लाल चौक पर हुए हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। वहीं जम्मू के हीरानगर इलाके में सीमा पार से पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान ने पीओके में सेना के ब्रिगेड को हाई अलर्ट किया है। पुंछ इलाके की दूसरी ओर पीओके के कोटली में पाकिस्तानी सेना की 3rd POK ब्रिगेड तैनात है। पीवी सिंधु के मुताबिक देश के ज्यादातर लोग महिलाओं के सम्मान की सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन उसे अमल में नहीं लाते। हैदराबाद में सेक्सुअल हरेसमेंट के कार्यक्रम में सिंधु ने कहा, दूसरे देशों में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन अपने मुल्क में महिला सम्मान के नाम पर सिर्फ प्रवचन दिए जाते हैं। सिंधु ने कहा, देश में बहुत कम लोग हैं जो महिलाओं का सम्मान करते हैं। सिंधु ने कहा, देश में महिलाओं को और सशक्त होना होगा। यौन उत्पीड़न के मामलों में महिलाओं को बिना डर के आवाज उठानी होगी। लखनऊ में अब आवारा पशु को जेल में रखा जा सकता है। डिविजनल कमिश्नर अनिल गर्ग ने जिलों के डीएम को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। डीएम ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन जिलों में जगह है वहां गौशाला बनाई जाए और उनमें आवारा गायों को रखा जाए। इतना ही नहीं, जेल के कैदी इन गायों की सेवा और देखभाल करेंगे। गायों को रखने के लिए जेल की खाली जमीन पर बाड़े बनाए जाएंगे और इनका नाम गौ सेवा केंद्र रखा जाएगा। जेल अधीक्षकों से जेल में खाली जमीन का ब्यौरा भी मांगा गया है। उत्तर प्रदेश में अब शराब पर गौ कल्याण टैक्स लगेगा। शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया और शराब पर नया टैक्स लगाया गया। विदेशी शराब पर 1 से 3 रुपए प्रति बोतल टैक्स लिया जाएगा। वहीं देसी शराब और बियर पर 2 रुपए तक टैक्स लगेगा। साथ ही होटल में भी शराब पीना और महंगा हो गया है। अब होटल में शराब पीने पर 10 रुपए प्रति बोतल टैक्स देना पड़ेगा, जबकि होटल में बियर पीने पर प्रति बोतल 5 रुपए टैक्स चुकाना पड़ेगा। योगी सरकार ने यह फैसला गौ कल्याण के लिए लिया है। सरकार इस टैक्स से 165 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट रख रही है। संबल के चंदौसी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के घर से 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। मृतकों की पहचान 60 साल की महिला संतोष कुमारी, केसर सिंह और घर में काम करने वाली एक नौकरानी के तौर पर हुई। तीनों की गला रेत कर हत्या की गई है। घर का सामान भी बिखरा मिला है।
हालांकि पुलिस ने हत्या के पीछे लूट से इनकार किया है। पुलिस डॉक्टर्स की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर भी जांच पड़ताल की। जिस घर में हत्याएं हुई हैं उसके सामने एक हॉस्पिटल है। पुलिस हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी से हथियारों की तलाश कर रही है। यूपी के फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी का झंडा लगी हुई एक गाड़ी ने दारोगा को कुचलने की कोशिश की। गाड़ी को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। ड्राइवर नशे में पाया गया। गाड़ी पर विधानसभा अध्यक्ष लिखा हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। दारोगा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के शाहजहांपुर में एक नवजात बच्ची गड्ढे में दबी मिली है। हालांकि नवजात को बचा लिया गया है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां बच्ची की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। कई परिवारों ने बच्ची को गोद लेने की इच्छा जताई है। फिलहाल बच्ची को पालना केंद्र में रखा गया है। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड है। बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं गुरेज के स्थानीय लोग बर्फ का आनंद ले रहे हैं। भारी बर्फबारी के बाद गुरेज के स्थानीय लोग जमी हुई बर्फ पर क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए। कश्मीर में इस साल भारी बर्फबारी की वजह से ठंड ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। कश्मीर के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हो रही है। ऐसे में लोग जमी बर्फ पर खेलों का लुत्फ उठा रहे हैं। इससे पहले श्रीनगर की डल झील जमने के बाद बच्चे क्रिकेट खेलते दिखाई दिए थे। एमपी के सीधी में कुमसी कॉलेज के प्रोफेसर एक छात्रा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। कॉलेज के छात्रों ने प्रोफेसर के सरकारी आवास पर पहुंचकर दोनों को पकड़ा। इस दौरान प्रोफेसर और छात्रों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद छात्रों ने प्रोफेसर की पिटाई कर डाली। प्रोफेसर की हरकत से नाराज छात्रों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छात्रों का आरोप है कि प्रोफेसर पढ़ाते तो कुसमी कॉलेज में है, लेकिन सरकारी आवास सीधी आवंटित कराया गया है। बिहार पुलिस में जवान योगेंद्र रजक की बारात बिना शादी के दुल्हन के घर से लौट गई। शादी में डीजे पर नाचने को लेकर शुरू हुई बात मारपीट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों में जमकर लड़ाई हुई। शादी का मंडप लड़ाई का मैदान बन गया। दूल्हे पर भी आरोप है कि उसने शराब पीकर मारपीट की। दूल्हे के रवैये से नाराज दुल्हन ने बारात को घर से खाली हाथ लौटा दिया। दुल्हन ने शादी से इनकार किया तो मनाने की कोशिश भी हुई, लेकिन लड़की नहीं मानी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पहली बार नाइट मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें 5,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। नाइट मैराथन में दिव्यांगों ने भी हिस्सा लिया। मैराथन में मनोरंजन का भी खास ख्याल रखा गया। नाइट मैराथन का मकसद था लोगों को गंदगी से दूर रहने का संदेश देना। नाइट मैराथन में फिल्मी कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 7 विकेट से शानदार जीत हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया है। टीम इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर दो देशों की वनडे सीरीज जीतने का कमाल किया है। इतना ही नहीं, भारत ने ऑस्ट्रेलिया में लगातार दो सीरीज जीतने का इतिहास भी रच दिया, जिसे मुमकिन बनाया महेंद्र सिंह धोनी ने, जिन्होंने वनडे सीरीज में एक बार फिर अपना पुराना अंदाज दिखाया। धोनी ने लगातार तीसरे वनडे में 50 बनाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। धोनी ने 7 साल बाद मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी अपने नाम किया।